नमस्कार, मैं हूं प्रीति रघुनंदन। रात के 8 बज रहे हैं, अब वक्त है दिन की हर बड़ी खबर को बारीकी से परखने का, खबरों में छिपे हर पहलू को समझने का। तो सबसे पहले बात करते हैं किसान आंदोलन के उस भ्रमजाल की, जिसकी वजह से पिछले 2 दिनों से सड़क पर संग्राम छिड़ा हुआ है। किसानों की मांग है कि सरकार कृषि कानूनों को वापस ले, लिहाजा किसानों ने दूसरे दिन दिल्ली से सटे बॉर्डर पर एक बार फिर जमकर हंगामा काटा। दिल्ली हरियाणा सिंधु बॉर्डर पर तो हालात सबसे ज्यादा खराब नजर आए। हालांकि शाम होते होते सरकार की पहल पर दिल्ली से सटी कुछ सीमाओं को खोल दिया गया। सरकार ने किसानों को दिल्ली के बुराड़ी में प्रदर्शन की इजाजत दे दी है। लेकिन 2 सवाल जो अभी कायम है वो ये कि किसानों का भ्रमजाल टूटता क्यों नहीं, क्यों किसानों को जरिया बनाकर राजनीतिक दल अपनी सियासत चमकाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि सरकार बार बार ये दावा कर रही है कि नए कृषि कानूनों से किसानों को कोई नुकसान नहीं होगा। दिल्ली कूच करने के लिए पूरी तरह से अड़े हुए हैं और वो किसी भी कीमत पर रुकना नहीं चाहते। रोकने का जो किसान संघर्ष जो कर रहे हैं, दिल्ली कूच करना चाहते हैं, तो उसमें हमने पूरे एफर्ट्स किए हैं, जिसके चलते हम इनको काफ़ी हमें रोकने में हमें काफ़ी इनको मेहनत करनी पड़ी और हमने काफ़ी देर इनको रोका। अन्नदाता का आक्रोश, सड़क पर संग्राम। किसान दिल्ली आना चाहते थे प्रधानमंत्री से मिलने के लिए, अपनी बात लेके आने के लिए कि हम तंग हैं 3 बिलों के अंदर, पर उनको बार बार रोका जा रहा था। बातचीत करेगी सरकार, किसान भी तैयार। NH9 में जो बड़े बड़े पाइप और मिट्टी डाली गई थी उसे किसानों ने हटा दिया और अब किसानों का काफिला आगे बढ़ता हुआ यहाँ मैं तस्वीरों के जरिए आपको दिखाना चाहूंगा। किसानों के दिल्ली कूच पर मचा घमासान। किसानों के जो हमारे लीडर हैं उनकी जो डायरेक्शन होगी उस रिगार्डिंग। दिल्ली हरियाणा सिंधु बॉर्डर पर किसानों का उग्र प्रदर्शन दूसरे दिन भी जारी रहा। किसानों की सुरक्षा बल के साथ भिड़ंत दूसरे दिन भी जारी रही। किसान दिल्ली के जंतर मंतर आकर कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की मांग करते रहे। प्रशासन ने किसानों को समझाने की पूरी कोशिश की, लेकिन किसान दिल्ली आने की जिद पर अड़े रहे। नतीजा ये हुआ कि एक बार फिर किसान हिंसात्मक हो गए। किसानों ने पत्थरबाजी की। किसानों ने बैरिकेडिंग हटाकर फेंक दी। अंबाला में नाराज किसानों ने पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़कर फ्लाईओवर के नीचे फेंक दी। सिंधु बॉर्डर पर किसानों ने पुलिस पर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की, तो सिरसा में किसानों ने उनका रास्ता रोकने के लिए रखी गई बड़ी बड़ी पानी की पाइपों को तोड़ दिया। तस्वीरें जिस किस तरीके से मशक्कत कर रहे हैं यहाँ के किसान, किस तरीके से एक एक मैं आपको तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि एक जो बड़ा पाइप है उस पाइप को हटाया गया है। देखिए किस तरीके से रोल करके किसान जो है वो उस पाइप को हटा चुके हैं। एक दूसरी तरफ यानी सिरसा से दिल्ली जाने वाले रास्ते पर एक पाइप को हटा दिया गया है, यहाँ तस्वीरों में देख सकते हैं आप। किसानों के बढ़ते गुस्से को देखते हुए पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। किसानों को खदेड़ने के लिए पुलिस ने कहीं आंसू गैस के गोले दागे तो कहीं वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। दिल्ली हरियाणा सिंधु बॉर्डर पर तो हालात बद से बदतर होते चलेगा। दिल्ली कूच की मांग पर अड़े किसानों ने प्रशासन की एक नहीं सुनी और 2 राज्यों को जोड़ने वाली सड़क अखाड़े में तब्दील हो गई। पहले इन्होंने लोगों ने अटैक किया किसानों पर, मैं उनके लिए ये मोदी सरकार को जिम्मेवार ठहराता हूँ जो इसको ऐसे संघर्ष को इन्होंने तार पीड़ो करना चाहा, इसको वायलेंसेबल करना चाहा। नहीं ग्राउंड से नहीं जाना, ऐसे ऐसे रोड पे ही रहना,
पिछले तीह पिछे तीह किलोमीटर मतलब कि जाम लग गया, ट्रैलियां खड़िया, ट्रैक्टर ट्रैलियां, जिंदगी इन्नी ट्रैलियां दिल्ली ने ट्रैक्टर ट्रैलियां ना कदे देखिया ना देखूंगे। पंजाब और हरियाणा के किसान सिंधु बॉर्डर पर हजारों की तादाद में इकट्ठा हो गए, जिससे तनाव के हालात बने हुए हैं। हालांकि सिंधु बॉर्डर गुरुवार शाम से पूरी तरह सील कर दिया गया है, दिल्ली में कोई भी नहीं आ और जा पा रहा है, जिससे दिल्ली आने जाने वालों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन किसान नए कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े हुए हैं, लिहाजा हरियाणा और दिल्ली पुलिस पूरी तरह मुस्तैद नजर आई। इस वक्त हम मौजूद है दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर। ये आप देख सकते हैं दिल्ली के सिंघू बॉर्डर को छावनी में तब्दील किया गया है और कुछ किसान यहाँ पर पहुँचना भी शुरू हो गए हैं। और यहाँ पर दिल्ली पुलिस ने अभी अभी आंसू गैस के गोले दागे हैं, पानी की बौछार और बजर जो दूसरे यंत्र है दंगा विरोधी दिल्ली पुलिस के, वो पूरी तरह से मुस्तैद है। यहाँ पर उन गाड़ियों को चालू कर लिया गया है, उन गाड़ियों को स्टार्ट करके रखा गया है और आप देख सकते हैं कि आगे ये बॉर्डर को पूरी तरह से सील गया। अन्नदाता के आक्रोश को देखते हुए केंद्र सरकार ने पहले बातचीत की पहल की और फिर किसानों को दिल्ली के बुराड़ी तक आने की इजाजत भी दे दी। केंद्र सरकार ने बुराड़ी के इसी निरंकारी ग्राउंड में किसानों को शांतिपूर्वक प्रदर्शन की इजाजत दी। दिल्ली सरकार की तरफ से बुराड़ी के विधायक संजीव झा, दिल्ली पुलिस और किसान नेता ने बुराड़ी के इस मैदान का निरीक्षण भी किया, लेकिन सिंधु बॉर्डर पर मौजूद किसान यहीं डटे रहने पर आमादा नजर आए। ये 8 तस्वीरें देखिए, ये बयां करने के लिए काफी हैं कि किस तरह किसान मोर्चाबंदी कर चुके हैं, किस तरह कृषि कानूनों के भ्रम जाल में फंसे किसान टस से मस होने के लिए तैयार नहीं। चाहे सिंधु बॉर्डर हो या फिर टीकरी बॉर्डर, चाहे शंभू बॉर्डर हो या फिर रोहतक झज्जर बॉर्डर, किसान सड़क पर संग्राम कर रहे हैं और राजनीति के धुरंधर उनकी आड़ में सियासत। किसान के आंखों में पहले ही आंसू है। आप कौन सी जेल, देश में कोई इतनी बड़ी जेल नहीं बनी जिसमें आप सारे किसान को कैद कर पाएं, किसान की आवाज़ को आप नहीं रोक पाएंगे। दुर्भाग्य की बात यह है कि हरियाणा सरकार का रवैया इतना निराशाजनक रहा है, इतना किसान विरोधी उनका रवैया रहा है। किसान अगर इन बिलों के, इन कानूनों के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाएं तो आप किसान के ऊपर इस प्रकार से जोर आजमाइश, पुलिस या बल का प्रयोग कर रहे हैं। नया एक्ट मोदी जी के नेतृत्व में पार्लियामेंट पास हुए, ये नया एक्ट में किसान के मदद करने का एक्ट है। किसान के नाम पर दलाली लोग हंगामा कर रहा है, दलाली का हंगामा है, किसान का हंगामा नहीं है। इसके हंगामे के पीछे दलाली का लीडर कांग्रेस है, कांग्रेस प्रायोगिक हंगामा है। सियासत अपने चरम पर नजर आई तो शाम होते होते किसानों ने बुराड़ी के निरंकारी ग्राउंड जाकर प्रदर्शन करने की बात मान ली। किसानों का जत्था धीरे धीरे बुराड़ी की ओर रवाना हो रहा है तो शंभू बॉर्डर को पूरी तरह खोल दिया गया। आम लोगों के साथ किसानों को भी दिल्ली की ओर जाने की इजाजत दे दी गई। पंचकूला कुरुक्षेत्र सबसे बात हो गई है, हमने अपने बॉर्डर्स खोल दिए हैं, इंटरनल जो ट्रैफिक मूवमेंट है सब स्मूथ चलाएंगे। अम्बाला में सब कंप्लीट ओपन है, हाँ, किसी को नहीं रोका जाएगा, नहीं, आप किसी को रोका नहीं जाएगा। पंजाब बॉर्डर खासकर से खोल दिया जी, पंजाब बॉर्डर हमने दोनों जो बॉर्डर हमारे लगते थे अम्बाला जिले से, दोनों हमने खोल दिए। ये जहाँ हम राइट नाउ हम जहाँ खड़े हैं ये शंभू बॉर्डर है और दूसरा जो है सद्दोपुर बॉर्डर है जो चंडीगढ़ दिल्ली हाईवे है। अधिकारियों ने बुराड़ी के निरंकारी ग्राउंड का जायजा लिया, जिसके बाद ये लगभग तय हो चुका है कि अब किसान दिल्ली तो आएंगे लेकिन जंतर मंतर की जगह इसी मैदान में प्रदर्शन करेंगे। हालांकि उनका प्रदर्शन कितना जायज है इसे लेकर भी सवाल उठ रहे हैं, सवाल इस बात को लेकर भी उठ रहे हैं कि किसानों को आखिर कृषि कानूनों के भ्रम जाल में किसने फंसाया, क्योंकि सच तो ये है कि MSP यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य पहले की ही तरह जारी रहेगा, मंडियां खत्म नहीं होंगी, कारोबार होता रहेगा, किसानों को मंडी के साथ दूसरी जगहों पर फसल बेचने का विकल्प मिलेगा, किसान की फसल खराब होने की आशंका दूर होगी, किसान आलू प्याज जैसी फसलें बेफिक्र होकर उगा सकेंगे, एक सीमा से ज्यादा कीमतें बढ़ने पर उन्हें काबू किया जा सकेगा, इंस्पेक्टर राज और भ्रष्टाचार खत्म होगा। सरकार
किसान यूनियन के साथ पहले भी चर्चा कर चुकी है और आगे भी चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है। मैं आपके माध्यम से किसान भाइयों और बहनों से अपील करना चाहता हूं कि वो आंदोलन का रास्ता स्थगित करें, वो चर्चा के लिए आएं, हम लोग मिल बैठकर सकारात्मक रास्ता खोजने की कोशिश करेंगे। सरकार की ओर से चाहे लाख सफाई दी जा रही हो, लेकिन किसान फिलहाल आंदोलन वापस लेने को तैयार नहीं है। दिल्ली में जंतर मंतर की जगह बुराड़ी को लेकर भले ही वो तैयार हो गए, लेकिन किसानों का आक्रोश कम नहीं हुआ है। ऐसे में सवाल ये है कि किसान आंदोलन की आड़ में सियासत कब तक जारी रहेगी? किसानों को मोहरा बनाकर मोदी सरकार को घेरने की कवायद कब तक जारी रहेगी? किसानों का प्रदर्शन कैसे एक आंदोलन में तब्दील होता जा रहा है, कैसे किसानों को मोहरा बनाकर सियासत के दांव चले जा रहे हैं, ये तमाम सवाल चर्चा का केंद्र बने हुए हैं। हम आपको अन्नदाता के आक्रोश की एक एक अपडेट देते रहेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कैसे इमरान का आतंकी भाईजान खुली हवा में आजाद घूम रहा है, कैसे पाकिस्तान की सरकार मोस्ट वांटेड आतंकी हाफिज सईद की खिदमत कर रही है, इमरान के रक्त चरित्र का पर्दाफाश, एक छोटे से ब्रेक के बाद।